अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं ओट्स हलवा और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम यूज करेंगे आज ओट्स हलवा बनाने के लिए। तो देखते रहिए हमारे ओट्स हलवे की वीडियो। सबसे पहले आप लें एक सॉस पैन और उसको आप धीमी आंच पे रखें और उसमें ओट्स डाल के उनको हम अच्छे से भूनेंगे और उसके साथ एंजॉय करेंगे ओट्स भुने हुए की बड़ी बड़ी अच्छी खुशबू। उसको आपको चलाते रहना है ताकि ये जले ना। जब लाइट ब्राउन हो जाए तो आग से हटा के उसमें डालें कॉफ़ी और उसके साथ वनीला एसेंस। ऐसी खुशबू उठेगी कि आप दीवाने हो जाएंगे उसके। इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे मिल्क और उसके साथ इसको चलाते रहेंगे। आप कोशिश करेंगे कि इसमें कोई भी गुठली ना बने और उसको चलाते रहें। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे ब्राउन ब्रेड, उसकी आपको बिल्कुल छोटे से जो है ना साइज़ के टुकड़े कर देने और फिर अच्छे से उनको मिक्स करके आपने ड्राई फ्रूट जो है उसमें ऐड करना है। पो पो तहां जेको आहे जेसि ताईं सॼो ड्राई फ्रूट ऐड कंदा हो, पो खोपरो खोपरो भी विझंदा हो। उसके बाद आप डालेंगे उसमें सुकराल के ड्रॉप्स, या आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, शुगर ऐड करे सघंदा ना माण्हू, बट जैसे कि हम ये डाइट के लिए बना रहे हैं तो नो शुगर प्लीज, सिर्फ सुकराल के ड्रॉप्स डालेंगे हम, या कैंड्रोल वगैरह जो गोरी वो अल्टरनेटिव आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको अच्छे से हम करेंगे मिक्स और फिर हम इसको वापस रख देंगे आग पे। और याद रखिएगा कि फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं करना, मीडियम भी नहीं करना, बिल्कुल हमने इसको लो मीडियम पे रख कर ढक देना है और ज़्यादा देर तक हमें नहीं रखना इसको। फिर एकदम से जो है फिर हमें ऐसा ऐसा से चलाना है। इस तरह से हम इसको दो तीन बार ढक के पकाएंगे और चलाएंगे जब तक कि इसका जो है पूरा मिल्क ड्राई नहीं हो जाता और ये सोक नहीं कर लेता। थोड़ा ड्राई देखिए, मैंने थोड़ी देर के बाद जब चला है तो नीचे से वो लगना शुरू हुआ है, जिसका मतलब है कि वो ड्राई होना शुरू हुआ है। जो हमने ड्राई फ्रूट बचाया था थोड़ा, उसको आप करेंगे गार्निश। और ये जो हमने बनाया था, हमने बनाया था 5-6% के लिए। अगर आप 2% या 3% की सर्विंग बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी को आप हाफ कर लें। यकीन मानिएगा ये इतना लजीज बनता है कि मैं पूरे घर के लिए बनाती हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो डाइट पर है उनके लिए, बट पूरा घर इनको खुशी से खाता है। थैंक यू सो मच।